सिमरी में शिक्षिका से 2.5 लाख की लूट। दिन दहाड़े हुई इस घटना से लोगों में फैली दहशत। सड़क किनारे से मोबाइल फोन और पासबुक बरामद। भारतीय स्टेट बैंक के सिंगवाड़ा शाखा से मंगलवार को रुपए की निकासी कर अपने घर सिमरी जा रही शिक्षिका सरिता कुमारी ने जैसे ही अपने घर के पास पहुंचकर स्कूटी रोकी। बाइक सवार दो लुटेरों ने उससे 2.5 लाख रुपए लूट लिए। दोनों लुटेरे शिक्षिका के हाथ से बैग झटक कर दरभंगा की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलने पर सिमरी पुलिस पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मंगलवार को दिन के 3 से 4 बजे के बीच हुई इस घटना से लोगों में दहशत फैल गई है। सिमरी पुलिस ने दरभंगा मुजफ्फरपुर उच्च पथ 27 पर तेलिया पोखर के पास सड़क किनारे फेंका गया मोबाइल फोन व पासबुक बरामद किया है। सिमरी थाना अध्यक्ष शमशाद आलम ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है, जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कोरा गांव के मूल निवासी पीड़ित शिक्षिका भरहुल्ली मध्य विद्यालय में कार्यरत है। सिमरी हाई स्कूल के पास वह अपने रिश्तेदार के यहाँ रहकर बगल की निजी जमीन पर गृह निर्माण करा रही है। शिक्षिका ने बताया कि गत 11 फरवरी को उनकी पुत्री की शादी थी। उन्होंने कहा कि बैग में रखे हुए कुल 2,50,000 आभूषण, पासबुक व मोबाइल फोन लूटकर बाइक पर सवार दो युवक भाग निकले। सिमरी थाना अध्यक्ष शमशाद आलम ने घटनास्थल का जायजा लेकर शिक्षिका से पूछताछ की। बैंक व लालपुर सिमरी पथ पर जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। पीड़ित शिक्षिका ने कहा कि मंगलवार की दोपहर 3 बजे स्टेट बैंक शाखा सिंगवाड़ा से वह राशि निकासी कर हैंडबैग को कंधे पर लटकाकर स्कूटी से सिमरी लालपुर पथ स्थित सड़क किनारे अपने घर पर उतरी थी। इसी क्रम में बैंक के पास से ही पीछा कर रहे ग्रे रंग के बिना नंबर वाली अपाची बाइक पर सवार दो बदमाश रुपए से भरा हैंडबैग झपटकर दरभंगा की ओर भाग गए। सिमरी लालपुर पथ किनारे स्थित हनुमान नगर की रेडीमेड कपड़े की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अपाची बाइक पर सवार दो युवकों को देखा जा सकता।